हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आया हूँ दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने। तो मैं यहाँ पे आया क्यों, क्योंकि आईफोन जो आज डिस्प्ले पे लग गया है, मैं आप लोगों को आईफोन दिखाता हूँ उनकी क्या प्राइसेस हैं दुबई में, आप लोगों को कितने का मिल सकता है। तो आप अपनी कंट्रीज के लिहाज से कंपेयर उनको कर सकते हो। और चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो यहाँ पे है ना, वो चीप है नहीं बेसिकली। तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली वहाँ पे फ़ोन मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो प्राइस ओरिजिनल एप्पल स्टोर की और जो दूसरे स्टोर्स की, उनकी मैं प्राइसेस आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरे तो अयाज भाई भी मेरे साथ आए हैं। अयाज भाई, आप क्या करने आए हैं, रैंडमली मुझे मिल गए हैं, क्या चक्कर है? यार मैं ऐसे ही ऐसे बाहर से जा रहा था तो अंदर आ गया। हाँ, आईफोन लेने जा रहे हैं। एप्पल स्टोर के बाहर क्यू चेक कर लो, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। ओके, राउंड करके जाना पड़ेगा, वो एप्पल स्टोर है और इसके ऊपर भी एक है पोर्शन, उधर भी क्यू लगी हुई है। अच्छा, ये ऊपर पोर्शन है कि नीचे? अच्छा, इतनी लंबी क्यू नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट की थी। मे बी यहाँ पे क्यू अभी स्टार्ट हो, क्योंकि थोड़ा अर्ली में आया हूँ मे बी इसलिए। लेकिन एप्पल स्टोर के पास लोग क्रेजी होते हैं, मैंने पहले भी देखा, बहुत लंबी लंबी क्यूज़ लगी होती हैं। अभी भी जो है ना लॉन्ग है क्यू यहाँ पे, ये देखो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए अभी अंदर एप्पल स्टोर जाने में लिए बड़ा वेट करना पड़ेगा। आज जो एप्पल स्टोर में सिर्फ उसको जाने देंगे जिसकी प्री ऑर्डर किया हुआ और उसकी आज डिलीवरी हो सकती है, फ़ोन की मिलना है, सिर्फ उसको अंडर एंट्री अलाउ है। तो मैंने भी दो प्री ऑर्डर किए हैं फ़ोन, इसलिए मुझे प्राइजेस का आइडिया है। तो मैं डिफरेंट स्टोर्स पर जा रहा हूँ, वर्जिन पे, ईमैक्स पे, जंबो पे, उन जाके प्राइजेस देखते हैं, आपको बताऊँ क्या क्या प्राइजेस हैं, क्योंकि मैंने दो फोन ऑलरेडी प्री ऑर्डर किए हुए हैं तो मुझे प्राइसेस का आइडिया है कि कितने कितने का चल रहा है। देखते हैं कि ओवर प्राइस तो नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ओवर प्राइस दें, क्योंकि दे भी नहीं सकते। अगर ओवर प्राइस देंगे तो इनसे खरीदेगा कुछ, सारे ओरिजिनल एप्पल स्टोर से खरीदेंगे। सर ये जो वर्जन मेगा स्टोर, एप्पल का लोगो, लेट्स गो इनसाइड। और ये तो आईफोन 13 प्रो मैक्स आ गया मेरे पास, ठीक है। ये सियारा ब्लू कलर में, कलर डिफरेंस लग रहा है यार इसका रेल में और उसमें ना। तो इसका जो है अभी हम लोग प्राइसेस मैं आपको दिखाते हैं 13 प्रो मैक्स की। तो ये प्राइजेज हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी बाय द वे यहाँ पे मिलता है। तो 4699 से बेस 128 की प्राइस स्टार्ट है और प्राइसेस सेम है इसके एप्पल स्टोर वाली, इतने ही एप्पल स्टोर पे भी लगी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोग सारी चेक कर सकते हो, ये GB लिखे हुए हैं, ये वेरिएंट है इसके। तो इस बार इन्होंने कैमरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर कर दिया पहले से, इतना रियल लाइफ में नहीं, इतने इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में किया, देखो ऊपर किया हुआ कि यहाँ से इतना है ऊपर हमारा कैमरा। तो इसके बाद और भी छोटे मॉडल हैं, मैं दिखाता हूँ, पहले मैं कैमरा देख लूँ। इसकी अल्ट्रा वाइड की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो अल्ट्रा वाइड में देख रहा हूँ इसका कैसा है। खैर अभी तो लाइट ज़्यादा है, तो इसमें सिनेमैटिक मोड भी डाला हुआ है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, ये देखो पीछे से बैकग्राउंड ब्लर है। तो इस तरह के जो है ना इसमें कुछ फीचर्स डाले हुए हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है ये। अब नेक्स्ट फ़ोन देखते हैं नेक्स्ट ही क्या पड़ा। और तो ये गोल्ड कलर में आईफोन 13 प्रो है, जो कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे साइज़ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके भी कैमरे जो है ना सेम उतने ही बड़े हैं जितने उसके प्रो के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और इनके प्राइसेज देख लेना, बाय द वे इस बार 1 TB में भी आया ये, और बेस जो है ना इनकी 128 कर दी है सब मॉडल्स की। तो ये 13 प्रो के प्राइसेज देख लें, 4200 दिरहम से स्टार्ट है और ये नीचे इसके 256, 512 और 1 TB, ये इसके प्राइसेज हैं 13 प्रो की। और आगे देखते हैं 13, काफ़ी ज़बरदस्त। और ये तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया है ब्लू कलर में, जो कि ये कलर क्या लग रहा है, ये डार्क लग रहा है इसमें ना, इस फ़ोन के अंदर कैमरे में डार्क लग रहे हैं कलर। आईफोन 13 है, तो इसकी प्राइसेज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या प्राइसेज चल रही हैं। 3399 से स्टार्ट है 128 GB और 512 तक है ये, तो ये 13 की प्राइस है। और इसके वर्टिकल कैमरा था, तो इस बार उन्होंने ये किया कि इसके डिस्प्ले के अंदर जो है ना 120Hz भी डाला है फ़ोन के अंदर। और ये जो बेस के मॉडल है ना, इसके अंदर भी उन्होंने जो है ना OLED डिस्प्ले कर दिया। पिछली बार जो है ना वो इतना रिजल्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी इनकी, इसके 12 की और 12 का जो मिनी वेरियंट था, इस बार उन्होंने LCD की जो है ना क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त कर दी है, जो कि फील भी हो रही है। तो इसके साथ ही 13 मिनी है, जो कि चीपेस्ट फ़ोन है, और चीपेस्ट कितने का है, 2099 से स्टार्ट है इसका, यानी कि 3000 से स्टार्ट है। और 128, 256 और इसकी ये है मेमोरी, ओहो ये मिनी फ़ोन पता नहीं क्यों पकड़ने में इतना मज़ेदार लगता है। खैर रियल लाइफ में एक डिफरेंट फील है, कैमरा जो काफ़ी बड़ा लग रहा है, मैसिव लग रहा है, और साइज़ भी इसका काफ़ी छोटा है। ज़बरदस्त फ़ोन है यार, बाकी कैमरे इनके ऑलमोस्ट सेम है सबके अंदर, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड में चेक करता हूँ ज़रा अल्ट्रा वाइड का क्या सीन है। हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरे तकरीबन सेम है इन फ़ोन्स के सबके, बाकी प्राइसेज आपने देखनी है सबकी। तो ये है इसमें प्राइसेज, अब अगले स्टोर पर जाके प्राइसेज चेक करते हैं। तो ये इनकी बैक साइड से कुछ लुक्स है, ठीक है। और ये मेरे पास 12 है, ये 12 का कैमरा पीछे से, तो ये कैमरे का डिफरेंस है पीछे स्टाइल का, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी प्राइस वर्जन मेगा स्टोर पे, और अभी चलते हैं किसी और मेगा स्टोर पे, ईमैक्स वगैरह पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे प्राइसेस क्या चल रही हैं, या फिर डायरेक्ट चलते हैं सैमसंग स्टोर में जाके मैं आपको देखता हूँ। अगर वहाँ पे रश ना हुआ तो फिर वहाँ पे ईमैक्स पे भी आपको देखा, प्राइसेस सेम है, एप्पल स्टोर में भी सेम है और हर स्टोर पे सेम है। ये छत नज़र आ रही है, ये ऊपर है, इतना चमक रहा है फ्लोर यहाँ पे, हालांकि देखो 24 आवर कोई ना कोई गुजर ही रहा है यहाँ से। खैर ये ईमैक्स का स्टोर है सामने, और उसके सामने वो वहाँ पे सैमसंग है,
तो पहले चलते हैं ईमैक्स के स्टोर पर जाकर देखते हैं क्या सीन है, अगर प्राइसेस का डिफरेंस मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी चल के देखते हैं। ये देखो लोगों ने इन्हें फ़ोन लिए हुए हैं, ठीक है, ये और भी लिए हुए हैं, ये सेल करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि और प्राइस में सेल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट में जो है ना ये लोग सेल कर देते हैं, यहीं बिक जाते हैं उनके बाहर खड़े खड़े यहाँ पे बेच के सीधा सीधा प्रॉफिट, सीधा सीधा प्रॉफिट लेके पहले दिन प्री ऑर्डर करते हैं ओके, और फर्स्ट डे यहाँ खड़े होते हैं, वहाँ आती है। ये देखो, ये देखो, कौन से मखलूक है, एक बंदे ने 10 ऑर्डर किए थे, ठीक है, वो मेरे जानने सीरियसली। और किस तरह मिल रहे हैं, हैं किस तरह मिल रहे हैं फोन, महंगे मिल रहे हैं ना, 500 तो महंगे ही। यार पहले हम सैमसंग स्टोर के आगे से गुजरे थे, क्यों ना सैमसंग के फ़ोन चेक कर लिए जाएँ। तो सैमसंग स्टोर में भी जो है टेबल जैसे लगे हुए हैं, लेट्स सी के कौन कौन से फ़ोन हैं, जी है, जी फ्लिप है और दूसरे फ़ोन है, लेट्स सी। तो ये जी फ्लिप 3 है, ठीक है, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है इसका, सैमसंग ने फोल्ड की गेम काफ़ी ज़्यादा उठा ली है यार अपने। यार जी फ्लिप 3 की प्राइजेज़ आप लोग देख लो, अच्छा जो पाकिस्तानी है वो 46 के साथ और इंडियन 20 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो आपकी कंट्री की प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे प्राइसेस कन्वर्ट करके डाल दूँ। काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन है इसका, और इसको ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये जी फ्लिप, और इसके साथ ये जी फोल्ड। अब जी फोल्ड का ये सीन है कि जिस तरह फ्लिप होता था ये फोल्ड होता है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है यार इसकी, खैर प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ये देखो ना, आलमोस्ट 7000 दिरहम का। तो ये जी फोल्ड 3 और इसकी प्राइस यहाँ पर आप चेक कर लो, कौन कितने जीबी वाले की कितनी प्राइस है। तो ये इसकी प्राइस यहाँ पे लगी हुई है, मैं कन्वर्ट करके भी डाल दूँगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये इसके बाहर भी एक LCD लगी हुई है, जो कि इसका डिस्प्ले भी बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है यार। खैर उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं, खुल जा सैमसंग, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये फ़ोन है, ज़बरदस्त है यार काफ़ी। तो देखा काफ़ी बड़ी सारी LCD है, फ़ोन के अंदर इतनी बड़ी लग नहीं रही है, लेकिन देखने में कम्प्लीटली जो है ना iPad ही है तकरीबन, मिनी टैबलेट या iPad जो भी कह लो इसको। यार स्क्रीन की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेवल कमाल है कमाल। तो ये थी जी फोल्ड की प्राइजेस। अच्छा S21 Ultra वगैरह की भी देखते हैं कि प्राइजेस कम हुई हैं कि वही चल रही हैं, लट से। और तो ये है S21 Ultra, ठीक है, और S21 Ultra से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी तो आप लोग इसकी देख ही सकते हो कैसी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, प्रीमियम है, इसका जो कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी जो प्राइस है वो है 256 GB का एक ही वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे पास 512 और 16 GB के साथ है, मैंने 5400 दिरहम में लिया था, 5300 समथिंग है, यानी 5400 का पड़ गया था मुझे। तो ये इसकी है 4899, यानी कि इस पर इतनी प्राइस नहीं ड्रॉप हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर 128 तो दुबई में आया नहीं था S21 में, और 512 GB भी बंद हो गया। इसके साथ ही S20 है, ठीक है, इसकी प्राइस भी देख लो, 3200 से 3400 तक है इसकी प्राइस। ये S20 है सिंपल, नहीं नहीं ये पड़ा हुआ है ना प्लस, ये जो है ना इसकी प्राइसेस, ये प्राइसेस आपने देख ली। और ये फ़ोन है यार, इसका भी कलर काफ़ी प्यारा है यार, ये ब्लैक कलर बहुत प्यारा है। और ये Note 20 की प्राइस है, Note 20 की प्राइस, Note 21 तो नहीं आएगा इस बार, लेकिन Note 20 अभी तक मिल रहा है, डेफिनेटली न्यू मॉडल नहीं आया तो ये मिलेगा अभी। और ये काफ़ी ज़बरदस्त है, बॉक्सी सा है, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, उसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी लिखी हुई है। और ऐसे S21 या इनकी सीरीज़ को इतना ज़्यादा अब ये हाइप नहीं दे रहे जितने फोल्ड सीरीज़ को दे रहे हैं, क्योंकि ये इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया पूरी दुनिया में, और काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुए हैं। और यार वैसे काफ़ी अच्छी डिवाइस उन्होंने बनाई है, मतलब फोल्ड, वैसे मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है फोल्ड का, लेकिन क्वालिटी अगर देखूँ बहुत प्रीमियम है, और बहुत ज़बरदस्त से फ़ोन उन्होंने बनाया, चेक करने में मज़ा आता है चलाने में, बस इतने तक किया, बाकी फोल्ड शोल्ड का मुझे शौक नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ फोल्ड का शौक है या नहीं है, बस आगे कहीं चलते हैं देखते हैं क्या करना है। अच्छा यार यहाँ पे मैं आया हूँ नेक्स्ट स्टोर पे, और यहाँ पे भी सेम प्राइसेस चल रही हैं, हर जगह पे सेम प्राइसेस ही हैं। अच्छा अभी सीन ऐसा है कि नेक्स्ट स्टोर पे मैं आया हूँ, यहाँ पे प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा अभी दे रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये लोग प्री ऑर्डर इन्होंने किया नहीं, ना ही अभी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो इन्होंने गेम ये किया कि इस पर प्री ऑर्डर नहीं किया और प्राइसेस जो हैं वो दे रहे हैं एक्स्ट्रा, काफ़ी एक्स्ट्रा। ये देखो ये नेक्स्ट स्टोर है, लेकिन अवेलेबल है इनके पास, मीन्स के 800-900 दिरहम का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मिल आ जाएगा। तो एप्पल के लिए क्रेज़ी होते हैं लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, 800-1000 ज़्यादा दे के खरीद लेते हैं। तो ये सीन यहाँ पे चल रहा है, प्राइस आप लोगों ने देख ली है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है कि किसी स्टोर पे प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा ये मेरे ना माइंड में था, क्योंकि एक लड़के ने
कॉल की थी डीजी शर्ट्स पे, तो उधर भी वो लोग यही कह रहे थे प्राइस ज़्यादा देते हैं। मैंने कहा सर हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं आया हूँ तो क्योंकि ये डिफरेंस है अवेलेबिलिटी का, अवेलेबल है और नहीं है, वो वैसे 6 मंथ के बाद डिलीवरी दे रहे हैं एप्पल वाले, तो ये सीन है।